मेरे सभी साथियों का एक बार फिर से YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रस्तावना का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे प्रस्तावना के विवाद और मत, ठीक है, और कुछ अन्य फैक्ट, ठीक है दोस्तों। तो सभी को क्या है, लास्ट तक बने रहना है वीडियो के अंत तक, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं कि किस विद्वान ने, जो विद्वान थे उन्होंने क्या क्या मत दिए हैं प्रस्तावना के बारे में, और कौन कौन से विवाद प्रस्तावनाओं को लेकर हुए हैं, ठीक है। तो एक एक करके इनको पढ़ने और समझने की हम सब कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों प्रस्तावना के मत, ठीक है। सबसे पहला नाम आता है अल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। इन्होंने दोस्तों प्रस्तावना के बारे में क्या मत दिया था, वो अपने वाक्य याद रखना है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ये बात किसने कही थी, अल्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने। और इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है कि जो हमारा संविधान की प्रस्तावना है या हमारा संविधान है, वो भविष्य में हम कैसा चाहते हैं, ठीक है। यानी कि भविष्य में हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, दीर्घकालीन सपनों का हमारा जो विचार है, इसका मतलब यही है कि हमारा संविधान भविष्य में कैसा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा नाम आता है दोस्तों NA पालकीवाला। इन्होंने प्रस्तावना के बारे में क्या मत दिया था, इन्होंने प्रस्तावना के बारे में बोला था कि प्रस्तावना जो है हमारी, वो एक परिचय पत्र है, ठीक है। तो हम प्रश्न में अगर ये आए आपके कि परिचय पत्र प्रस्तावना को किस व्यक्ति ने बोला था, तो आप क्या लगाओगे, NA पालकी वाला। अगर आपको ये वाक्य दिया जाए कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का क्या है, विचार है, तो आप लगाओगे अल्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है दोस्तों। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों, यहीं से प्रश्न बनते हैं और यहीं पे आपका ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों दो ऐसे विवाद, ठीक है, दो विवाद जो मेन थे उद्देशिका में, वो हम पढ़ेंगे। अपने याद रखना है कि पहला बेरुबारी विवाद 1960, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973, ठीक है। अब सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं कि ये विवाद किस वजह से हुए थे, ठीक है, ये पता होना जरूरी है। तो जो हमारी प्रस्तावना है दोस्तों, उसको कहा गया था कि संविधान का क्या ही भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, इस बात पे क्या था, ये दो संविधान हमने पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बेरुबारी यूनियन विवाद, यूनियन विवाद 1960 में हुआ था। इसमें क्या बोला गया था दोस्तों कि जो प्रस्तावना है हमारी, वो क्या है, संविधान का भाग नहीं है। पहला पॉइंट क्या था, संविधान का भाग नहीं है। दोनों दोस्तों ये जो विवाद थे ये हाई कोर्ट में चले थे, ठीक है, कहां पे, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में, ठीक है, रखे गए थे बाद में कि इस पर फैसला सुनाया जाए, ठीक है। तो पहले जो विवाद पे हाई कोर्ट ने क्या बोला था कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या है, भाग नहीं है, ठीक है। प्रस्तावना क्या है, भाग नहीं है, किसका, संविधान का, ठीक है। और इसमें दूसरा पॉइंट आपने याद रखना, इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, यानी कि दोनों बातें क्या थी, गलत साबित हो गई थी। किस विवाद में, बेरुबारी विवाद में, कि संविधान का भाग नहीं है, इसमें कोई बदलाव या संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है, आपने सीधा सा याद रखना है। अब बात करते हैं हम दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो हुआ था 1973 में, ठीक है। इसमें हाई कोर्ट में क्या बात चली थी कि जो ये बेरुबारी विवाद था इसको खारिज कर दिया गया था, ठीक है, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य पर फैसला सुनाया गया। वो फैसला क्या था कि जो सब प्रस्तावना है हमारी, प्रस्तावना है वो भाग है संविधान का, यानी कि इसमें आपने क्लिक करना है यस का, यानी कि इसमें दोनों बातें
मतलब कि गलत साबित हुई थी, ठीक है, भाग नहीं है और बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन इसमें क्या था, जो ये केशवानंद विवाद था, इसमें प्रस्तावना भाग है संविधान का, पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात आपने याद रखी है कि इसमें बदलाव और संशोधन कर सकते हैं, ये भी हाई कोर्ट ने मान लिया था, ठीक है, बदलाव और संशोधन मैं लिख देता हूं, कर सकते हैं, ठीक है। एक दोनों विवादों में एक बात याद रखने की है दोस्तों, जो इन दोनों को क्या है, इन दोनों को अलग से देखती है। हमने देखा इसमें दोनों पॉइंट गलत साबित हुए और इसमें दोनों पॉइंट सही हुए। अगर कभी भी प्रश्न आए कि बेरुवारी विवाद मामले में आप निम्नलिखित में से सही को टिक कीजिए, ठीक है, या निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट सही है, तो आपने बेरुवारी में दोनों गलत साबित हुए थे और इसमें हाई कोर्ट में बाद में दोनों सही हुए थे। एक पॉइंट जो इन दोनों वाला करता है, हाई कोर्ट ने ये बोला था कि आप संशोधन कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो, और प्रस्तावना जो है ये संविधान का भाग भी है, लेकिन मूलभूत ढांचे को नहीं बदल सकते आप। जो प्रस्तावना का मूलभूत ढांचा है इसको आप नहीं बदल सकते, ये जैसा का तैसा ही रहेगा। ये दोनों पॉइंट में एक पॉइंट आपने ये भी याद रखना, ये बात किसने कही थी, मूलभूत ढांचा को चेंज नहीं कर सकते, केशवानंद ने, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, मूलभूत ढांचा नहीं बदल सकते आप, ठीक है, प्रस्तावना को वैसे ही रहेगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों, इससे जुड़े कुछ अन्य फैक्ट भी हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं एक साइड को। प्रस्तावना को दोस्तों आपने पहले भी पढ़ा होगा, संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है, किसको, प्रस्तावना को आत्मा या फिर कुंजी कहा जाता है संविधान की। एक मिनट, बहुत बार आता है ये प्रश्न, आपने यहां पर पजल नहीं होगा, अब पजल करने की थोड़ा कोशिश करते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर आपका डायरेक्ट प्रश्न आए कि प्रस्तावना या कहने का मतलब संविधान की किस भाग को आत्मा कहते हैं, तो वो है प्रस्तावना, ठीक है। लेकिन अगर आपका आए कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं, यहां पे क्या होगा दोस्तों, कि जो संविधान का अनुच्छेद 32 है उसको भी क्या है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। अभी दोनों प्रश्न आपको सेम लगते हैं, थोड़े से मुझे भी सेम लगते हैं, और इसको थोड़ा समझें कैसे हो। अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाए संविधान की आत्मा या फिर कुंजी किसे कहते हैं, तो आप किस पे टिक करोगे, प्रस्तावना पर टिक करोगे। अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर भीम राव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो आप कहोगे 32 को, अनुच्छेद 32 को, जिसमें क्या है, हमारे मौलिक अधिकार शामिल है, ठीक है दोस्तों। यहां पर अगर किसी प्रश्न के द्वारा, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा पूछा जाए कि आत्मा किसे कहते हैं, तो आप लगाओगे 32। अगर डायरेक्ट प्रश्न में आए संविधान की आत्मा या कुंजी किसे कहते हैं, तो आप क्या लगाओगे, प्रस्तावना, ठीक है, क्लियर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों एक बार संशोधन हुआ है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, एक बार संशोधन हुआ है 1976 में, ठीक है, 1976 में। आपने पहले पढ़ा होगा दोस्तों कि हमारे तीन शब्द थे, जो उनसे पहला था समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, और तीसरा है दोस्तों अखंडता। ये किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे दोस्तों, 44वां संशोधन हुआ था, कब, 1976, ठीक है। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रस्तावना के महत्व मैंने करवाए थे, तो उसमें तीनों शब्द बाद में क्या है, जोड़े गए थे दोस्तों, पंथ निरपेक्ष समाजवादी क्या होता है, और अखंडता, और ये
पंथनिरपेक्ष अखंडता और समाजवादी, ठीक है। किसके संशोधन के द्वारा जोड़ेंगे, कौन सा संशोधन था, 44वां संशोधन, कब किया गया, 1976, और एक ही बार संशोधन हुआ 1976, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आज उद्देशिका का जो टॉपिक है ये यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। इसे उद्देशिका प्रस्तावना क्यों बोलते हैं, इसके विषय में 3 से 4 वीडियो बन चुकी हैं दोस्तों, आराम से देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मौलिक अधिकार, ठीक है, उनको पार्ट वाइज ही पढ़ेंगे दोस्तों, मजा आता है पार्ट वाइज में, ताकि समझने और कराने में कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।